जी टीवी के मस्ट पॉपुलर सीरियल भाग्यलक्ष्मी की कहानी की तमाम डिटेल्स आप तक तो पहुंचा देते हैं। तो बता दें कि नीरम परेशान है ऋषि के लेकर, क्योंकि ऋषि लक्ष्मी के लिए बावरा हो गया है। उसने सारी रिस्पांसिबिलिटी आयुष के हाथ छोड़ दी है और नीलम कह रही है कि तूने तो अभी बहुत कुछ करना है, तुझे परिवार को भी देखना है, अपनी बीवी को भी देखना है और अपने पति धर्म भी निभाना है। मैं कुछ भी मना नहीं करूंगी, लेकिन तेरे पापा भी है नहीं, काम से बाहर गए हैं, तो तुझे घर की रिस्पांसिबिलिटी भी देखनी चाहिए। जैसे ऋषि कहेगा कि मेरी सांस चली जाएगी अगर मैं लक्ष्मी को वापस नहीं लेकर आऊंगा, तो रीरम गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि तुम मुझे मजबूर मत करो वो करने से जो मैं करना नहीं चाहती, फिर मैं तुम्हारे सामने बुरी बन जाऊंगी। और शालू बानी दोनों ऋषि की मदद करने के लिए असाइलम जाएंगी, क्योंकि ऋषि लक्ष्मी को बचाने जाएगा। कल आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मी को सेल कर देंगे डॉक्टर बलविंदर मिलकर, जिससे ऋषि को आएगा गुस्सा और उन दोनों से झगड़ा करता हुआ नजर आने वाला है। कहानी में एक तरफ तो ये ट्रैक चलेगा, दूसरी ओर वीरेंद्र को लेकर एक बुरी खबर आएगी, क्योंकि वीरेंद्र का एक्सीडेंट हो जाएगा। जी हाँ, वीरेंद्र भी परेशान होगा अपने परिवार को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि ऋषि अगर बिजनेस में अभी ध्यान नहीं दे रहा है और इसी वजह से प्रेशर की वजह से वीरेंद्र का एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये खबर जब नीलम को लगेगी तो वो ऋषि को बुरा भला सुनाएगी और कहेगी कि तुम्हारे घर में इतना कुछ चल रहा है और तुम्हें सिर्फ लक्ष्मी की पड़ी हुई है, तुम्हारे पापा भी अब यहाँ पर नहीं है और उनका एक्सीडेंट हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम ऋषि को एक साथ सॉल्व करनी है। अब ऋषि कैसे ये सारी सिचुएशन को संभालेगा, अपनी लक्ष्मी को भी लेकर आएगा और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएगा। आगे के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।